दोस्तों, जब भी प्राचीन इतिहास के सबसे क्रूर शासकों की गिनती होगी तो उसमें चंगेज खान का नाम सबसे ऊपर होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि वो कौन सा शासक था जो क्रूरता और रंगीन मिजाजी में चंगेज खान को टक्कर दे सकता था, तो अधिकतर लोग एक ही नाम लेंगे और वो नाम है अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ दोस्तों, ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसके डर से मंगोलों का सबसे बर्बर शासक चंगेज खान भी भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया था। आज के वीडियो में हम आपके लिए इतिहास के पन्नों से अलाउद्दीन खिलजी की वो बातें ढूंढ के लाए हैं जिनका सच अभी तक ठीक से कोई नहीं जानता। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि अलाउद्दीन खिलजी की असल शख्सियत से आप भी परिचित हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली से लेकर संपूर्ण भारत में अपनी विशाल सेना को दौड़ाने वाले अलाउद्दीन खिलजी का जन्म अफगानिस्तान के अली गुरशास प्रांत में हुआ था। बचपन से ही पिता के गुजर जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। उसके चाचा दिल्ली के सुल्तान थे जिन्होंने अपने भतीजे को अपनी सेना का कमांडर बनाने के साथ ही अपनी बेटी का निकाह भी उसी से करवा दिया था। अलाउद्दीन ने भी अपने चाचा का दिल जीतने के लिए दिल्ली के आसपास की हिंदू सल्तनतों पर भयानक हमले बोले। इन हमलों से अलाउद्दीन को बेशुमार खजाना मिला। इस खजाने से उसने अपने विशाल सेना के लिए हथियार खरीद कर उसे और ताकतवर बनाया। अपनी इसी ताकतवर सेना के साथ उसने देवगिरी के यादवों के राज्यों पर चढ़ाई कर दी। यहाँ उसने खूब कत्लेआम मचाया जिसके बाद वो यहाँ से बेशुमार दौलत अपने साथ ले गया। अपने इसी विजय रथ के साथ जब वो दिल्ली वापस पहुंचा तो उसका खूब आदर सम्मान हुआ। लेकिन अब वो इतना लालची हो चुका था कि उसने दिल्ली की सत्ता को पाने के लिए अपने ही चाचा की पीठ में खंजर भोंक दिया और दिल्ली सल्तनत पर अपनी हुकूमत जमा ली। अलाउद्दीन ने दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी सुल्तान था। वो पूरे भारतवर्ष में राज करना चाहता था और तो और वो अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था, जिसके चलते उसे सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एक बार दिल्ली सल्तनत पर बैठने के बाद उसने सबसे पहला हमला गुजरात पर बोला। उसके विशाल सेना ने गुजरात के राजा कर्ण की सेना को बुरी तरह रौंद दिया, जिसके बाद उसने गुजरात के राजा को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन ने रहम न खाते हुए गुजरात के राजा को मारने का निर्णय लिया, लेकिन धोखे से वो भाग निकला, जिसके बाद गुस्साए अलाउद्दीन ने गुजरात की महारानी को कई दिनों तक अपने साथ रखा और जब उसका मन भर गया तो उसने गुजरात की महारानी को अपने हरम की एक दासी बना दिया। दोस्तों, गुजरात को जीतने के बाद अलाउद्दीन के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए, जिसके बाद उसने जैसलमेर पर चढ़ाई कर दी। उसकी बर्बर सेना ने जैसलमेर में भी भारी तबाही मचाते हुए वहां भी जीत का झंडा लहरा दिया। दोस्तों, गुजरात और जैसलमेर को जीतने के बाद अलाउद्दीन एक बार फिर दिल्ली लौटा, लेकिन इस बार उसके मन में कुछ और था। दिल्ली लौटने के बाद उसने अपने आप को अपने हरम की दासियों के साथ अय्याशियों में लीन कर लिया। इसी दौरान एक दिन उसके हरम में एक संगीतकार आया, जिसका संगीत सुनकर अलाउद्दीन उसका मुरीद हो गया, जिसके बाद उसने उस संगीतकार को अपने हरम में शामिल कर लिया। दोस्तों, ये संगीतकार कोई और नहीं बल्कि राघव चेतन था, जिसको चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह ने काला जादू करने के अपराध में अपने राज्य से निकाल दिया था। वो अलाउद्दीन के पास केवल एक ही इरादे से आया था कि वो राजा रतन सिंह से बदला ले सके। दोस्तों, जब भी अलाउद्दीन अपने हरम में आता वो उसका संगीत सुनकर उसका और भी मुरीद हो जाता। अब धीरे धीरे वो अलाउद्दीन के काफी करीब हो गया था। उसने इस दौरान रानी पद्मावती की सुंदरता की कहानियां अलाउद्दीन खिलजी को सुनानी शुरू कर दी। रानी के बारे में सुनकर अलाउद्दीन उसे देखने के लिए बेकरार हो गया। इसके बाद वो एक दिन अपने सैनिकों के साथ चित्तौड़गढ़ के लिए निकल पड़ा। चित्तौड़गढ़ पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों समेत चित्तौड़गढ़ किले के पास डेरा डाल दिया और राजा को संदेशा भिजवाया कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रानी पद्मावती की एक झलक देखना चाहते हैं, इसके बाद वो दिल्ली लौट जाएंगे। खिलजी के संदेश से चित्तौड़गढ़ में खलबली मच गई। राजा रतन सिंह भी असहज हो गए क्योंकि राजपूतों की परंपरा के मुताबिक महिलाएं गैर मर्दों के सामने नहीं जा सकती थीं। लेकिन राजा रतन सिंह को इस बात की भी आशंका थी कि अगर इनकार किया गया तो अलाउद्दीन उनके राज्य पर आक्रमण कर देगा, इसलिए अपने राज्य और प्रजा को बचाने के लिए राजा ने सुल्तान का प्रस्ताव मान लिया। इधर रानी पद्मावती अलाउद्दीन के सामने नहीं आना चाहते थे, लिहाजा शीशे का इस तरह प्रबंध किया गया कि सुल्तान रानी की छाया उसमें देख सके। कहा जाता है कि रानी की एक झलक देखकर अलाउद्दीन रानी पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो रानी पद्मावती को लिए बिना दिल्ली नहीं लौटेगा। जब महल से अलाउद्दीन अपने कैंप की तरफ लौट रहा था तब राजा रतन सिंह भी उसके साथ थे, लेकिन छल कपट से खिलजी ने राजा को बंदी बना लिया। इसके बाद महल में संदेश भिजवाया कि अगर राजा के लोग उन्हें जिंदा देखना चाहते हैं तो रानी पद्मावती को उसके साथ दिल्ली जाने दिया जाए। कहा जाता है कि राजा रतन सिंह के राज्य में दो भरोसेमंद मंत्री थे जिनका नाम था गोरा और बादल। इन दोनों ने रानी पद्मावती के साथ मिलकर एक योजना बनाई और अलाउद्दीन को संदेशा भिजवाया कि रानी पद्मावती दिल्ली जाने को तैयार हैं, लेकिन उनकी एक शर्त यह है कि रानी पद्मावती के साथ उनकी सेविकाएं भी पालकी में बैठकर जाएंगे। अलाउद्दीन ने यह शर्त तुरंत मान ली और इसके अगले दिन चित्तौड़गढ़ के किले से पालकियों का एक बड़ा काफिला निकला
जो अलाउद्दीन की सेना के कैंप की ओर बढ़ने लगा। लेकिन असल में उन पालकियों में रानी पद्मावती और उनकी सेविका नहीं बल्कि गोरा और बादल के साथ चित्तौड़गढ़ के वीर सैनिक थे। करीब 100 पालकियों में बैठकर सैनिक अलाउद्दीन के कैंप तक पहुंच गए। कैंप के पास पहुंचते ही सैनिकों ने अलाउद्दीन की सेना पर हमला बोल दिया। इसी बीच गोरा राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन के कब्जे से बड़ी वीरता से बचा लाया और तब तक दूसरी ओर बादल ने मोर्चा संभाले रखा। हालांकि बाद में बादल वीरगति को प्राप्त हुआ, जिसके बाद अलाउद्दीन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और अब वो किसी भी हालत में वहां से जाने को तैयार नहीं था। उसने चित्तौड़गढ़ पे एक मर्तबा फिर से घेरा डाल दिया और चित्तौड़गढ़ जाने वाली पानी और राशन की सप्लाई रुकवा दी। कई दिनों तक किले में लोग भूखे प्यासे रहे, जिसके बाद राजा रतन सिंह ने तय किया कि भूखे मरने से बेहतर है कि लड़ते हुए ही जान न्योछावर की जाए। इसके बाद चित्तौड़गढ़ और दिल्ली सल्तनत के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा रतन सिंह की हार तय दिख रहे थे। इधर महल में रानी पद्मावती और अन्य राजपूत रानियों ने खिलजी की गुलामी से बचने के लिए राजपूत धर्म को निभाते हुए जौहर होने का फैसला किया। आपको बता दें कि जौहर एक राजपूताना प्रथा है, जिसमें अगर राजा की हार होती है तो उनकी रानी दुश्मनों के कब्जे में जाने के बजाय खुद को जिंदा जला लेते हैं। कहा जाता है कि रानी पद्मावती ने महल के बीचों बीच चिता सजाई और सबसे पहले उसमें खुद को दी। उसके बाद अन्य रानियों ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। अंत में जब राजा रतन सिंह को मारकर अलाउद्दीन खिलजी ने किले में प्रवेश किया तो वहां उसे सिर्फ राख मिली, जिसकी चाह में उसने खून बहाया वो बेकार गया। दोस्तों, इस घटना के बाद अलाउद्दीन को झटका लगा और वो नाराज होकर दिल्ली वापस लौट आया। वहां पहुंचकर वो अपनी सत्ता और हरम के जाल में फिर से लीन हो गया। दोस्तों, यहां हम आपको एक बात बता दें, अलाउद्दीन खिलजी पुरुषों और खासकर बिना दाढ़ी वाले पुरुषों को काफी पसंद करता था। कई किताबों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि वो गे था और उसके हरम में करीब 50,000 पुरुष थे जो उसके साथी थे। उसके हरम में एक दास था जो अलाउद्दीन के बेहद ही करीब था, उसका नाम था मलिक कफूर। दोस्तों, कहते हैं कि अलाउद्दीन ने गुजरात में जीत हासिल करने के बाद कफूर को 1,000 दिनार देकर खरीदा था। कफूर का नाम कहीं कहीं पर कफूर हजार दिनार भी मिलता है। अलाउद्दीन और कफूर के संबंधों के बारे में तारीख फिरोजशाही समेत कई किताबों में लिखा गया है। कई इतिहासकार ये दावा करते हैं कि खिलजी कफूर की खूबसूरती के आगे खुद को बेबस महसूस करता था और इसका पूरा फायदा कफूर ने उठाया था। कफूर ने खिलजी का गुलाम बनने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। कफूर और खिलजी की करीबियां इतनी थी कि कफूर को खिलजी ने अपनी सेना का कमांडर तक बना दिया था। कफूर ने दिल्ली सल्तनत की सेना का नेतृत्व करते हुए सन 1305 में अमरोहा की लड़ाई में मंगोलों को हराया था। इसके बाद सन 1309 और 1311 में कफूर ने दक्षिण भारत में दो सफल अभियानों का नेतृत्व भी किया था, जिसके बाद उसकी चाह और भी बढ़ गई थी और अब वो दिल्ली सल्तनत के तख्त पर विराजमान होना चाहता था। दोस्तों, कहते हैं कि कफूर ने ही खिलजी की मौत की साजिश भी रची थी। हालांकि कई इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई थी, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का यही मानना है कि जब अपने अंतिम समय में खिलजी कफूर के बेहद नजदीक आ गया था, तब फायदा उठाकर कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को जहर देकर मार डाला था। हालांकि आज भी इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी को एक क्रूर और वहशी मुगल शासक के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह भी सच है कि वो अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसके डर से मंगोलों ने कभी भारत की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखा। नहीं तो हम सब जानते हैं कि मंगोल कितने आदमखोर थे। वो जहां से निकल जाते थे वहां की आधी आबादी खत्म हो जाते थे। मंगोलों के सबसे क्रूर शासक चंगेज खान की तबाही को भला कौन भूल सकता है। जो तबाही उसने मचाई थी उसे इतिहास में आज भी मानव जाति के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक गिना जाता है। इसी के चलते अलाउद्दीन को लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोग सहानुभूति रखते हैं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है अलाउद्दीन खिलजी को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।